नेक्स्ट है आपका, अगली प्रॉपर्टी है हाफ लाइफ फॉर एनथ ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ फॉर एनथ ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड एज फॉलोज। टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए के पावर एन माइनस वन। ये यहाँ अमाउंट है, अमाउंट है और टी हाफ क्या है ये भी देख लीजिएगा, ये बाद में आएगा, आगे आएगा। टी हाफ टाइम टेकन टू डिसोसिएट, टाइम टेकन टू डिसोसिएट हाफ अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल। टाइम टेकन टू डिसोसिएट हाफ अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल और टी हाफ है। ये क्या है, आप अमाउंट देख दे रहे हैं या कंसंट्रेशन है, और ये नाम का क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एन जीरो हो गया, तो एन जीरो हो गया तो टी हाफ जो हो जाएगा जीरो माइनस वन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए के हो गया। इसका मतलब अमाउंट बढ़ाएंगे तो टी हाफ क्या होगा, बढ़ेगा किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर होता मान लीजिए एन इक्वल टू वन होता, तो एन इक्वल टू वन, वन माइनस वन ए की पावर जीरो, वन आ गया, तो टी हाफ जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो इसका मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन अमाउंट, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट। तो टी हाफ क्या होगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ये आप दिमाग बैठा लीजिएगा। प्रॉपर्टी इसकी जो है नाइन्थ प्रॉपर्टी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमिन बाय मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप निकाल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आपका है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसके बाद है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होती है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जीरो ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है और ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में फर्स्ट डिस्कस अबाउट जीरो ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन शॉर्ट में जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो इन जीरो ऑर्डर काइनेटिक डिफरेंशियल रेट लॉ डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन टर्म। जैसे हमारे पास कोई रिएक्टेंट है ए, तो ये स्टार्टिंग में जो है ए नॉट था, टी जीरो पे इसका जो अमाउंट था वो ए नॉट था, याद रखिए। तो आफ्टर टाइम टी पे ये क्या होगा, ये अमाउंट बचेगा और ये आपका क्या है प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। तो स्टार्टिंग में ये था, कोई प्रोडक्ट नहीं था, टी जीरो पे कोई प्रोडक्ट नहीं, और आफ्टर टाइम टी पे क्या होगा, आफ्टर टाइम टी पे आपके पास ये बचा हुआ और कुछ कुछ प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट में एक्स मान लेते हैं। तो जो हमारा रेट होगा, रेट आप लिखना जानते थे, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ए, ये आपका रेट है, रेट या आप ऐसे भी लिख सकते थे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एक्टिव मास ऑफ ए।
अब हमारे पास आप जीरो ऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, जीरो ऑर्डर काइनेटिक। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक पढ़ने का मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक में डिफरेंशियल रेट ना डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कंसंटेंस पे डिपेंड नहीं करने का मतलब इसका पावर क्या होगा, जीरो होगा। और पावर जीरो करने का मतलब ये है, अगर आप माइनस डीए बाई डीटी से लिखेंगे और ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ के आएगा और ए का पावर जीरो इसका मतलब वन हो गया। इसका मतलब ये है डीए बाई डीटी इक्वल टू क्या आ गया, के आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपका है रेट और ये आपका है के। तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक में जो रेट होता है, रेट कांस्टेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में रेट रेट कांस्टेंट के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के ए की पावर जीरो। ए की पावर जीरो करेंगे तो आ जाएगा, अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप अमाउंट बढ़ाएंगे तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। इसको आप अगर ऐसे ग्राफ बनाएंगे और इधर आप रेट लिख ले रहे हैं और इधर कंसंट्रेशन लिख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कंसंट्रेशन पावर जीरो, रेट पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, इसका ग्राफ सीधे सीधे जाएगा। तो ये जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ही है, रेट कंसंट्रेशन का।